नमस्कार, BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छोटी काशी अनूप शहर में नाली का गंदा पानी गंगा गिर रहा है गंगा में। नगर में करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ है सीवर लाइन प्लांट। बावजूद इसके सीवर लाइन के मैन हॉल द्वारा गंगा में नाली का गिर रहा है गंदा पानी। नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकार, फिर भी स्थिति बनी हुई है जैसे की तैसी। जल निगम के अधिकारी व ठेकेदार लगा रहे नमामि गंगे स्वच्छता योजना को पलीता। बहुत अच्छी बात, क्योंकि अभी सरकार और शासन के द्वारा बहुत ही जुझारू रूप से एक स्कीम चलाई जा रही है नमामि गंगे। नमामि गंगे देखते हुए अभी जो सीवर का जो वर्क दिख रहे हैं वो लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन गाजियाबाद के लोग देख रहे हैं, उसके द्वारा ही इस सीवर का संचालन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अगर सीवर का पानी गंगा में जा रहा है तो बड़ा ही गलत है, और ये आगे कभी सीवर का पानी गंगा में ना जाए। और ट्रीट होकर पूर्व में भी अगर जाता था तो ट्रीट होकर पानी गंगा में जाता है, जो पानी पीने योग्य होता है। BCN न्यूज के लिए बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट। शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, ग्रामीणों में मची चीख पुकार। देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 25 बकरियां चलकर हुई राख। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जब तक सारी बकरियां जलकर हुई राख, बकरी स्वामी का रो रो कर बुरा हाल, घर में मचा कोहराम। बकरी स्वामी देवेंद्र कुमार जाटव ने रोज की भांति बकरियों को बाड़े में किया था बंद। विछवा थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव की घटना। BCN न्यूज के लिए मैनपुर से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। रामश्री इंटर कॉलेज मिर्जापुर कला उन्नाव में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणादायी जनक्रांति की शताब्दी वर्ष में प्रवेश के अवसर पर आयोजित जनजागरण रैली में नारों से लेकर तख्तियां लेकर विद्यार्थी जयघोष कर रहे थे। इस अवसर पर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए विद्यालय से लगभग 50 विद्यार्थियों ने वंदे मातरम का वीडियो अपलोड किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक कुमार गौड़ ने कहा कि उन्होंने स्वयं भी अपना वीडियो अपलोड किया और दूसरों को वंदे मातरम वीडियो अपलोड कराने के लिए प्रेरित किया। उप प्रधानाचार्य उमेश कुमार मिश्रा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से हमें आजादी के शहीदों को याद करने का मौका मिलता है। आज के दिन प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में जनपद के समस्त शहीद स्थलों स्मारकों पर दीप प्रज्वलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व का विषय है। जनजागरण रैली में प्रमुख रूप से अमित कुमार, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, अमित कुमार गौन, राम लखन, ज्योति दुबे, शर्मिष्ठा सिंह, तान्या सिंह, तन्वी शर्मा, कल्पना सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। BCN न्यूज के लिए उन्नाव से पंकज शुक्ला की खास रिपोर्ट। फिरोजाबाद में धूमधाम के साथ पेश की गई अच्छे मियाँ की दरगाह पर चादर की पेशी। फिरोजाबाद के टापा खुर्द में स्थित अच्छे मियाँ रहमतुल्ला अलैह की दरगाह शरीफ पर टापा खुर्द व आसपास के लोगों द्वारा ढोल नगाड़े के साथ चादर पेश की गई। चादर पेशी के दौरान वहां मौजूद उलेमाओं व लोगों के द्वारा दुआ पढ़ी गई और सभी लोगों के लिए बाबा से दुआ मांगी। लोगों की माने तो टापा खुर्द में स्थित अच्छे मियां बाबा की दरगाह बहुत प्राचीन व प्रचलित है। यहां सभी धर्म के लोग अपनी मुराद व मनोकामनाएं लेकर आते हैं और बाबा उनकी सभी मुरादों को पूरा करते हैं। चादर पेशी के दौरान समस्त धर्म के लोग सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में सभी मौजूद लोगों व दरगाह शरीफ पर आने वाले लोगों को हलवे का तुबरुक भी वितरित किया गया। जो सैयद बाबा टापा खुर्द में जिसके दर नहा के जो टापे खुर्द के जो लोग आए हुए हैं वो अपनी अपनी मुरादें लेके आए हुए हैं। सैयद बाबा पे चादर पेश करी गई है ताकि उनकी जो मनोकामना जो पूरी हों वो हो जाए इस कदर, और इनके जो बच्चे और भी जो मामले तय हैं वो इनके बन जाएँ इस कदर, इसलिए सैयद बाबा की चादर पेश करी की जाती है। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा नहीं पहल की ओर हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। एक पहल सुरक्षा की ओर प्रमाण पत्र और 20,000 का नकद मिलेगा पुरस्कार। फिरोजाबाद परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जन सहभागिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी। इसके साथ ही मास्क की बेहतरीन डिजाइन भेजने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी RTO कार्यालय में तैनात निरीक्षक RI हरिओम ने बताया कि शासन की ओर से 21 जनवरी से 20 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता कराने का निर्णय लिया गया। इस प्रतियोगिता में
उचित तकनीकी प्राविधिक मेडिकल कॉलेज विधि संस्थानों की छात्र छात्रा प्रतिभा कर सकेंगी। मिसकर शुभकर डिजाइन विभागीय वेबसाइट पर भेजनी होगी। इसके लिए 29 फरवरी से 14 फरवरी तक डिजाइन भेजी जा सकती है। सबसे अच्छी डिजाइन बनाने वाले प्रतिभागी को 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस प्रतिभागी की एक ही डिजाइन स्वीकार की जाएगी। हमारे साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आरई साहब, सीओ साहब और सबसे बड़े साहब, हमारी ऊर्जावान नौजवान बच्चे, ये सारे लोग एकत्रित हैं और ये पूरे जनपद में ये संदेश देंगे। एनसीसी के बच्चे हैं, एनएसएस के बच्चे हैं, ये पूरे जनपद में ये संदेश देंगे कि हम लोग ये जो माह मना रहे हैं, इस माह में वास्तव में कोई भी किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहाना की रिपोर्ट। मथुरा कांग्रेस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया जिसमें आम आदमी और किसानों को कुछ नहीं दिया गया, ये पूंजीपतियों का बजट है। कांग्रेस के डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि ये बजट दिशाहीन है, आम आदमी और किसान को कुछ नहीं मिला है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल डीजल में सेस लगने से ये और महंगा हो जाएगा। मनरेगा और किसान समाधान निधि की बजट में कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में सरकारी कंपनियों, वित्त संस्थाओं जिनमें दो पब्लिक सेक्टर बैंक भी शामिल है और एक इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि 2020-21 में 1,75,000 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य रखा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि IDB, iBank, BPCL, शॉपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में वित्त वर्ष 2021-22 में राजनीतिक बिक्री का काम पूरा हो जाएगा। LIC IOP की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नीति आयोग में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज में रणनीति विनिवेश में लिस्ट तैयार करने को कहा गया है। वहीं डॉक्टर राजेश शर्मा ने इस बजट को निराशाजनक बताया। वहीं उन्होंने कहा कि देश के PM नरेंद्र मोदी का भाई उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ लखनऊ एयरपोर्ट पर धरना देते हैं, तो यही अंदाजा लगा लीजिए कि जब देश के PM के भाई को न्याय नहीं मिलता है तो आम जनता को क्या नया मिलेगा। वही किसान आंदोलन को किसान के हित में सही ठहराया। यह कि सरकार कॉरपोरेट को या ऊपर के स्तर पे कितना भी उनको छूट दे दे, मार्केट नहीं बूम करेगा। मार्केट जब बढ़ेगा जब नीचे के स्तर पे पैसा आएगा। सरकार अगर नीचे के स्तर पे पैसा पहुंचाती है तो वो पहुंचा मार्केट में फ्लो होता है, वो मार्केट में आता है। तो सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सबसे नीचे तबका है, जो आम आदमी है, उसके हाथों में पैसा हो। जब उसके हाथों में पैसा होगा तो वो उस पैसे को बाजार लेके जाता है, बाजार में पैसा इन्वेस्ट करता है। टाटा, ये अडानी अंबानी कभी बाजार में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये इन्वेस्ट करेंगे अपने उद्योग में। इसलिए अडानी अंबानी को आप जो रिबेट दे रहे हैं, फायदा दे रहे हैं, उस रिबेट और फायदे को आप किसानों को दीजिए, आम जनता को दीजिए, ताकि वो पैसा बाजार में आएगा। जब 2008 में बहुत मंदा आया था तब मनमोहन सिंह जी ने यही फंडा आउट किया था। उन्होंने उस समय किसानों को की कर्जा माफी करी, मनरेगा लेके आए और उन्होंने नीचे के वर्ग को पैसा पहुंचाया। जब नीचे के वर्ग को पैसा मिला तो उस पैसे ने मार्केट को बढ़ा के रखा। BCN न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक संप्रदाय के शमशान में अपनी मां की कब्र पर फातिमा पढ़ने पहुंची युवक द्वारा अपनी मां के साथ तीन कब्रों को खुला देखकर ग्रामीणों को सूचना दी गई तथा भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस वैधानिक कार्रवाई में जुट गई। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डहूरी स्थित शमशान में जब एक युवक 3 माह पूर्व मृत्युलोक को पहुंची अपनी मां की कब्र पर फातिमा पढ़ने पहुंचा तो उसने अपनी मां की कब्र को खुला हुआ देखा, जिसके बाद वह घबरा कर जहां ग्रामीणों के बीच पहुंच गए तो वही भारी संख्या में जहां ग्रामीण कब्रिस्तान में पहुंच गए तो वही सूचना मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच जांच में जुट गया। इस दौरान ग्रामीणों ने देखा कि कब्रिस्तान में एक ही नहीं 3-3 कब्रें जहां खुली पड़ी है
तो वही चौथी कब्र को भी खोलने का प्रयास किया गया। इस दौरान जहाँ दो कब्र के शरीर से ऊपर का हिस्सा गायब था, तो वही तीसरे कब्र में दफनाए गए युवक को परिसर के हिस्से को भी काट कर ले जाने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में खाली हुई सभी कब्रों में उनके परिजनों द्वारा एक बार फिर दफनाने का कार्य किया गया। जो पुरानी जो आधी अधूरी है खोदी गई है वो बीच में से छोड़ कर चले चले, वो पुरानी है। और ये हादसा जो पहली बार नहीं हुआ इस गांव के कब्रिस्तान में, दोबारा हादसा हुआ और हम ये चाहते हैं कि आगे ऐसा हादसा हमारी नजरों के सामने नहीं हो। हमारे संवाददाता से बात करते हुए पीड़ित ने बताया कि इस कब्रिस्तान में 5 वर्ष पूर्व भी ऐसी ही कृत हुआ था, परंतु उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज फिर ऐसा लगता है कि किसी तांत्रिक ने कब्र खोदकर कब्र में दफनाए गए 3 शवों से चेहरे के हिस्से को जहां से ले जाने का प्रयास किया था, तो वही 2 शव से शरीर के ऊपरी हिस्से के भाग को ले जाने में कामयाब रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह प्रशासन से जहां आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, तो वही पुलिस गश्त भी बढ़ाए जाने की मांग करते हैं। हमारे संवाददाता द्वारा खोली गई कब्र में दफनाए गए शवों के समय के संबंध में उन्होंने कहा कि सभी कब्र में दफनाए गए शव करीब 3 से 3.5 माह के ही आरोपी द्वारा खोले गए हैं। आज थाना पिलखवा क्षेत्र के ग्राम डूरी में एक सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ जो स्थित कब्रिस्तान की कुछ कब्र खुदी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस एवं उच्च अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। इस संबंध में गहराई से छानबीन की जा रही है, साथ ही जो तहरीर प्राप्त हो रही है उसके आधार पर और जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। DCN न्यूज के लिए हापुड़ से दीपक कश्यप की रिपोर्ट। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवार के बचाव हेतु रिजर्व पुलिस लाइन में वामा सारथी कार्यशाला का SSP की धर्मपत्नी द्वारा फीता काट कर किया गया शुभारंभ। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर पुलिस महानिदेशक लखनऊ की धर्मपत्नी वाणी अवस्थी अध्यक्ष वामा सारथी के आदेश के अनुपालन में रिजर्व पुलिस लाइन स्थित RTC बैरिक हॉल में वामा सारथी के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह की धर्मपत्नी प्रार्थना सिंह द्वारा फीता काट कर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित योग्य चिकित्सक डॉक्टर राजीव अग्रवाल व डॉक्टर मंजू गुप्ता द्वारा पुलिस परिवार के सदस्यों व पुलिस कर्मियों को कैंसर जैसी घातक बीमारी के दुष्परिणाम और बचाव से जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक राजेंद्र शर्मा एवं उनकी धर्मपत्नी सहित अन्य कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। BCN न्यूज के लिए बुलंदशहर से जावेद खान के साथ मोहित भुटानी की रिपोर्ट। रेलवे प्रशासन में उस समय हड़कंप मच गया जब खुर्जा से कानपुर की ओर जा रही एक मालगाड़ी पर अज्ञात 3 युवकों ने मालगाड़ी के इंजन पर फायरिंग कर दी। इसकी सूचना मालगाड़ी के चालक ने टुंडला कंट्रोल को दी। फायरिंग की सूचना के बाद टुंडला रेलवे पुलिस GRP टुंडला और इत्मादपुर की सिविल पुलिस सहित अन्य आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। यह पूरी घटना टुंडला मितवाली के बीच ग्राम समय के पास डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर रेलवे लाइन की है। घटना टुंडला और मितावली रेलवे स्टेशन के बीच गांव समाई के पास सुबह करीब 6:15 की है, जहां खुर्जा से चलकर कानपुर की ओर जा रही मालगाड़ी पर अज्ञात 3 युवकों ने इंजन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग होने से मालगाड़ी इंजन में बैठे चालक व परिचालक सन्न रह गए और इसकी तत्काल सूचना चालक मानसिंह मीना ने टुंडला कंट्रोल को दी। सूचना मिलते ही रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में RPF टुंडला, GRP और सिविल पुलिस सहित अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। हालांकि ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया, जहां कानपुर में ट्रेन के इंजन की फॉरेंसिक जांच कराए जाने की बात कही जा रही है। यह पूरी घटना डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर रेलवे लाइन मालगाड़ी संख्या KM5 की है। वही RPF थाना प्रभारी टुंडला अमित यादव ने बताया कि किलोमीटर नंबर 730-33 पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाड़ी पर फायरिंग कर दी गई। अभी सिविल पुलिस इत्मादपुर के SHO मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कानपुर GMC में उसको रुकवा कर उसकी फॉरेंसिक जाँच कराई जाएगी कि मामला फायरिंग का है या किसी दूसरी चीज का है। आज KM 4+5 थी, लॉन्ग हॉल बोलते हैं उसको। उस गाड़ी के ड्राइवर ने रिपोर्ट किया है न्यू टुंडला स्टेशन पे के किलोमीटर नंबर 730-33 पे किसी 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाड़ी पे इंजन पे फायर किया गया है, ऐसा सूचना है। अभी सिविल पुलिस एतमादपुर के SHO उस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं,
और जीएमसी में गाड़ी को रुकवा के उसकी फोरेंसिक जांच होगी कि मामला गोली का है या किसी दूसरी चीज का है। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है मामला। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम किया गया। तो वही एनएसएस, एनसीसी, सिविल डिफेंस स्कूल, स्काउट एंड गाइड एवं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा निकाली जाने वाली प्रभात फेरी शहीद स्तंभ पर पहुंचने पर जहां वंदे मातरम एवं देशभक्ति के गीत गुंजायमन हो गए, तो वही चोरी चोरा समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश के मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह की उपस्थिति एवं जिला प्रशासन की देखरेख में देश व प्रदेश की सरकार के आदेश व निर्देश पर आयोजित किए समारोह में जनपद के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने सदर विधायक विजय पाल अढ़ाती, नगर पालिका परिषद चेयरमैन प्रफुल्ल सारसत, जिलाधिकारी अदिति सिंह, मुख्य विकास अधिकारी उदय सिंह एवं जनपद के विभिन्न आला अधिकारियों की उपस्थिति में अतरपुरा चौपाला स्थित शहीद स्तंभ पर पुष्पमाला एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहीदों को नमन करते हुए चोरी चोरा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री द्वारा डाक विभाग द्वारा जारी किए गए डाक टिकट जिसका मूल्य 5 रुपए है का बटन दबाकर शुभारंभ किया गया। आज 4 फरवरी 2021 को जो चोरी चोरा कांड था, आज इसको 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि चोरी चोरा शताब्दी वर्ष के रूप में जितने भी पूरे वर्ष में आने वाले हमारे शहीदों के शहीद बलिदान दिवस है, जितनी भी हमारी जयंती हैं, ऐसी विभिन्न जितनी भी तारीखें होती हैं, सभी शहीद स्मारकों पे विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का पूरी साल भर एक कैलेंडर सरकार द्वारा बनाया गया है। पूरी साल भर ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा जिससे जो हमारे शहीद हैं जिन्होंने बलिदान दिया हमारे देश को आज़ाद कराने में, हमारी आने वाली नई पीढ़ी इन सभी लोगों के बारे में जान सके और अपने आने वाले जो कल है उसको, अपने भविष्य को उनके बनाए गए रास्ते पे हम आगे लेकर के अपने आप को जा सकें। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जितने भी शहीद स्मारक ऐसे शहीद स्थल हैं इन सब का भी सौंदर्यीकरण जितनी भी पूरे प्रदेश भर में है चिन्हित करके सभी का सौंदर्यीकरण करने का भी कार्य, उनकी साज सज्जा मरम्मत करने का भी कार्य सरकार के द्वारा आज से प्रारंभ कर दिया जाएगा। बीसीएन न्यूज़ के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के ब्लॉक नारकी ग्राम पंचायत राजपुर कोटला में मतदान केंद्र बनवाने की भारतीय जनता पार्टी नेता और ग्रामीणों ने मांग। ग्रामीणों का कहना है हमारे गांव में वार्ड 5 है जिनको मतदान करने के लिए 3 गांव में 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे हमारे गांव के 650 के करीब वोटर है मतदान केंद्र तक नहीं जा पाते। भाजपा नेता व ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय जूनियर स्कूल में मतदान केंद्र बनवाने की मांग जिलाधिकारी से की है से हम अपना मतदान कर सकें। भारतीय जनता पार्टी मंडल का उपाध्यक्ष हूँ, हम लोग इसलिए आक्रोशित हैं, मेरा नाम कौशलेंद्र प्रताप सिंह, और हम लोग इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं मतदान केंद्र न होने के कारण। जनता बहुत आक्रोश है और हम लोगों को 6 किलोमीटर वोट डालने के लिए जाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, पूरा मतदान नहीं हो पाता है और हम लोग शिकायत भी की डीएम साहब के यहाँ, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। एडीओ साहब आए यहाँ पे हमारे यहाँ पे, उन्होंने जांच भी की लेकिन वो हमसे पैसे मांग रहे थे, इसलिए जो है हमारे यहाँ मतदान नहीं बना। अब हम लोग बहुत ही आक्रोशित हैं। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहान अली की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।